हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट स्टडी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश विच इज़ एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला इनके बारे में ये चैप्टर है कल्पना चावला के बारे में आप जानते होंगे शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट लेकिन वो इंडियन ऑरिजिन की थी शी वॉज बॉर्न इन इंडिया करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी एक्चुअली इंडियन ओरिजिन की वेमेन थी जो स्पेस में गई थी इनके बारे में थोड़ा सा आपने फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा होगा अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो चैप्टर को रीड करेंगे जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं मैं साथ ही आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी और डेफ़िनेटली इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स होने वाले हैं अबाउट स्पेस स्पेस शटल इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको बताया जाएगा तो काफ़ी नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी शुरू करते हैं कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स वे नाउ बिफोर यू रीड आप पढ़े उससे पहले कुछ बता देते हैं आपको इन 1997, 1997 में नाइनटीन में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल ये कल्पना चावला जो थी इंडियन अमेरिकन दोनों ही देशों के नाम लिखे जाते हैं जब भी इनकी नेशनैलिटी बताई जाएगी क्योंकि इंडिया में वो पैदा हुई थी और अमेरिकन सिटीजनशिप थी उनके पास तो वो ए, 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 एक इंटरनेशनल क्रू जो कि अब्रॉड यानी कि स्पेस में जा रहा था यूएस स्पेस शटल का पार्ट थी वो क्रू का पार्ट थी वो क्रू होता है बहुत सारे लोग जो कि उस पर होंगे उस टाइम स्टडी करने के लिए जा रहे होंगे और उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया ये आप याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस पहली भारतीय महिला वो बनी थी जो भारत में पैदा हुई और स्पेस में गई हो साडली लेकिन बड़े दुख की बात है द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी दूसरा जो मिशन था कोलंबिया का वो एक ट्रेजडी पर एंड हुआ बहुत ही दुखद घटना रही ओके okay? चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला पहले कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है अ स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल ये मैं स्पेस शटल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी क्योंकि समझना जरूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि स्पेस में अंतरिक्ष में जाता है लेकिन वो रिपीटेड स्पेस ट्रैवल के लिए बना होता है अनलाइक रॉकेट जैसे रॉकेट आप देखते हैं एक बार लॉन्च होता है बस एक ही बार के लिए बनता है वो रॉकेट ओके okay? तो लेकिन जो स्पेस शटल है उससे आप कई सारी जर्नी कर सकते हैं ऐसा माना जाता था कि जो कोलंबिया है वो हंड्रेड टाइम्स स्पेस में जा सकता था बट सेकेंड टाइम में जैसा हमने देखा कि इट वॉज एंडेड इन अ ट्रेजिडी थोड़ा सा स्पेस शटल के बारे में और डिटेल में बता देते हैं आपको ये देखिए इस तरीके से स्पेस शटल आपका बनता है सबसे पहले ये तो मेन है आपका ऑर्बिटर जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं ये आपका होता है एक्सटर्नल टैंक ये क्यों अटैच किया जाता है आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं स्पेस में जा रहे हैं बहुत सारे दिनों के लिए तो बहुत सारा फ्यूल आपको चाहिए होगा तो इसके फ्यूल से पूरा भरा हुआ होता है ये टैंक जितना चाहिए उससे यूज़ करते रहते हैं और इतना ही काफ़ी नहीं है सिर्फ आपको दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जिनको एस आर बी भी बोलते हैं इनके साइड में चाहिए इनका क्या काम है एक सेकेंड आपको अभी दिखा देते हैं ये देखिए ये बहुत देर तक अटैक ये दोनों रॉकेट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं लॉन्च जब आप करते हैं इनको लिफ्ट ऑफ करने में उसको ऊपर की तरफ टेक ऑफ कराने में हेल्प करते हैं और मोर देन टू मिनट्स दो दो मिनट मैक्स एक्चुअली उससे ज़्यादा इनको नहीं रखे जा रखा जाता लिफ्ट ऑफ के लगभग दो मिनट के बाद ऐसा माना जाता है कि उनका काम हो गया है एस आर बीज हैव डन देयर जॉब उसके बाद इनको डिटैच कर दिया जाता है हटा दिया जाता है यहाँ से अलग कर दिया जाता है फिर ये दो ही चीज़ें आपकी स्पेस में जाती हैं और इनमें पैराशूट अटैच होते हैं ये बहुत ईजीली सी में क्योंकि सी के आसपास से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं स्पेस शटल भेजे जाते हैं उसमें पैराशूट के हेल्प से ये आसानी से जो है समुद्र में गिर जाते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पैराशूटिकल बनाए जाते हैं और उसके बाद बोट से जाके इनको निकाल भी लिया जाता है क्योंकि दोबारा से इनको रिफर्बिश करके दूसरे स्पेस शटल के मिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है ओके तो ये सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद ये फ्यूल टैंक है आपका जिस जो कि इसमें फ्यूल भरा हुआ है जिसको आप यूज़ करेंगे और ये है मेन ऑर्बिटर जिसमें कि आपके एस्ट्रोनॉट्स एंड क्रू मेम्बर्स जो हैं वो रहते हैं और मेनली जो ये आपका स्पेस शटल है ये ऑटो पायलट पर ही चलता है ज़्यादा टाइम तक लेकिन अगर एस्ट्रोट चाहे तो वो टेक ओवर कर सकते हैं ऑब्वियसली ओके okay? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्पेस शटल के बारे में पता होनी चाहिए चलिए अब हम आगे आते हैं यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए कि वो क्या है क्योंकि आगे शायद ये यूज़ हो आपके चैप्टर में सबसे पहला है नेचुरलाइज्ड यू एस सिटीजन होता क्या है कि अगर आप यूएस में पैदा नहीं हुए हैं किसी और कंट्री में पैदा हुए हैं आप यूएस की सिटीज़नशिप लेते हैं पूरे लीगल जो प्रोसेस है उसके थ्रू तो आपको वही सारे राइट्स मिलेंगे जो वहाँ के जो नेचुरली बॉर्न यू एस सिटीजन को मिलते हैं ऐसे सिटीजन जिनको वहाँ की जो कहीं बाहर देवर बॉर्न आउटसाइड अब्रॉड कहीं दूसरी कंट्री में पैदा हुए हैं लेकिन वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिली है उनको हम लोग नेचुराइज यू एस सिटीजन बोलते हैं जिनको वहाँ पर नेचुरली बॉर्न होने वाले सिटीजन्स के इक्वल राइट्स मिलते हैं समान अधिकार मिलते हैं ओके okay? स्पेस स्पेस तो आप जानते हैं अंतरिक्ष अर्थ के बाहर जितनी भी जगह है अर्थ के जो हमारा एनवायरमेंट है उसके आउटर में वो सभी स्पेस ही है नेक्स्ट इज फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस फ्रंटियर्स वैसे जो आपका बाउंड्री जो सेपरेट करता है दो एरियाज की उसको फ्रंटियर बोला जाता है लाइन ऑफ फ्रंटियर इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको कहा जाएगा फ्रंटियर ऑफ स्पेस में होता ये है ये अर्थ है मान लीजिए आपकी और ये स्पेस है बाहर का तो इसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि देखिए इसके इसके अंदर अगर आप आ गए तो आप अर्थ की ऑर्बिट में आ गए हैं इससे ऊपर अगर है तो आप स्पेस में हैं तो वो जो एक लाइन बना दी गई है अज्यूम लाइन है ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर कोई लाइन खींची हुई है जिससे हमें पता लगता है लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी तरफ से एक लाइन बना दिया जिसको फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस कहा जाता है ओके वहाँ से मतलब स्पेस स्टार्ट होता है अर्थ की ऑर्बिट से आप बाहर जा चुके हैं अब्रॉड अब्रॉड तो दूसरी कंट्री जो है आपकी उसको कहा जाता है नेक्स्ट इज लिफ्ट ऑफ एंड टेक ऑफ देखिए टेक ऑफ करना होता है जैसे कोई प्लेन है आपने देखा होगा थोड़ी दूर तक वो धरती के ऊपर चलता है उसके बाद वो टेक ऑफ करता है हवा में उड़ना शुरू करता है खुद ही लेकिन अगर हम बात करें स्पेस क्राफ्ट की किसी की स्पेस शटल की तो वो अपने आप टेक ऑफ नहीं करता उसमें साइड में या तो आपके कुछ रॉकेट्स अटैच होते हैं जो कि उसे वर्टिकली सीधे वो कभी आपने नहीं देखा होगा कोई रॉकेट अगर है तो धरती के ऊपर जा रहा है फिर लॉन्च करेगा वो सीधा का सीधा ऊपर एकदम से टेक ऑफ करता है उसको हम लिफ्ट ऑफ करना बोलते हैं लिफ्ट मतलब उठाना एक तरीके से तो दोनों जो रॉकेट्स हैं वो उसको लिफ्ट ऑफ करा रहे हैं सीधा ऊपर की तरफ जो है उसको टेक ऑफ करा रहे हैं उसको लिफ्ट ऑफ बोलते हैं ओके क्रू तो जितने भी लोग हैं जो कि काम करते हैं किसी शिप के ऊपर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेस शटल के ऊपर उनको क्रू मेम्बर्स बोला जाता है ओके तो ये आपके वर्ड्स हैं जो आगे यूज़ होंगे स्टार्ट नाउ फर्स्ट इज अ न्यूज़ रिपोर्ट पहले आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है न्यूज़ रिपोर्ट है ट्रैजडी इन स्पेस स्पेस में ट्रेजडी एक एक दुखद घटना यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स यूएस का जो स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया इट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स मतलब वो आग के लपटों में ब्रेक हो गया खो गया टूट गया इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजडी अनप्रेसिडेंटेड मतलब होती है कोई चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो नेवर हैपन बिफोर तो ऐसी एक स्पेस ट्रेजिडी हुई यूएस स्पेस शटल कोलंबिया यूएस का जो स्पेस शटल था कोलंबिया जिसका नाम था कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसमें कि एक भारत में पैदा हुई अमेरिका की एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम था कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स उसमें कल्पना चावला और छः लोग और थे ब्रोक इन टू फ्लेम्स वो आग की लपटों में जो है ब्रेकअप ब्रेक हो गया टूट गया एज इट स्ट्रीट ओवर टेक्स टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे स्ट्रिक ओवर करना स्ट्रीक ओवर मतलब कि तेजी से जब किसी शहर के ऊपर से कोई प्लेन जा रहा हो तो हम कहते हैं कि इट इज स्ट्रीकिंग ओवर दिल्ली मान लीजिए कोई अगर आप किसी प्लेन को या किसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो ये टेक्सस के ऊपर से जा रहा था टेक्सस एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट आप जानते हैं फिफ्टी स्टेट्स को मिलकर बना है उनमें से टेक्सस उसका एक वन ऑफ द स्टेट्स हैं तो टेक्सस के ऊपर से ये जा रहा था किसकी तरफ जा रहा था अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ जहां पर इसको लैंड करना था सैटरडे फर्स्ट फेबर 2003 की ये बात है तब ये हुआ कि उसमें आग लग जाती है किलिंग ऑल ऑन बोर्ड और जितने भी ऑन बोर्ड मतलब उस पर सवार थे लोग बैठे हुए थे साथ हमने देखा कल्पना चावला और छह और मेम्बर्स थे तो सभी के सभी ऑल सेवन डाइड और सेवन वर किल्ड सभी साथों के साथ वो मारे जाते हैं उसमें दिस शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा नासा आपके यू की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि आपके जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है और एस्ट्रोनॉटिकल्स जितने भी आपके रिसर्च हैं उनको करती है फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ओके तो इसने ये वो कंपनी है ये वो एजेंसी है सॉरी गवर्नमेंट एजेंसी जिसने कि लॉन्च किया था इसको आपके कोलम्बिया को और आप जानते हैं कि जिस जो एजेंसी किसी भी रॉकेट को या किसी भी स्पेस शटल को भेजती है स्पेस में कॉन्टैक्ट में वो कॉन्स्टेंट उसके साथ रहती है कि कहाँ तक पहुँचा क्या चल रहा है अभी कब तक वापस आ रहा है अभी इसको लैंड करना है तो हुआ क्या लगभग सुबह नौ बजे नौ बजे ये यू का टाइम दिया हुआ है अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई के अकॉर्डिंग देखें तो ये शाम के साढ़े सात बजे की बात है तब ये कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया वो कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे थे मतलब कुछ खराबी आ गई थी आपके स्पेस शटल में एज इट केम इन फॉर लैंडिंग जब वो लैंडिंग के लिए जस्ट आ ही रहा था लैंड ही होने वाला था इतने दिनों तक ऑलमोस्ट आई थिंक सिक्सटीन डेज तक ये रहा था स्पेस में उसके बाद जस्ट लैंडिंग से पहले ही ये हुआ और वो कॉन्टैक्ट में थे सोलह दिनों तक कॉन्स्टेंट लेकिन तब उनका कॉन्टैक्ट हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ इट वॉज़ फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ये लगभग कितनी हाइट पर उड़ रहा था लगभग टू लाख फीट की हाइट पर उड़ रहा था ट्रेवलिंग एट ओवर ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर पर आर और स्पीड कितनी थी इसकी ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर्स पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल जब ग्राउंड से इसको जो कंट्रोल कर रहे थे लोग दे लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल वो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाता है और ये जो है जैसे कि हमने देखा इट ब्रोक इन टू फ्लम्स कोलम्बिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन सिक्सटी ऑफ जनवरी टू थाउजेंड थ्री सिक्सटीन जनवरी को इसने लिफ्ट ऑफ किया था फर्स्ट फेब्ररी को ये होता है फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर जगह के नाम आप थोड़ा याद रखिएगा कहाँ से इसको लिफ्ट ऑफ कराया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर सिक्सटीन डेज ये अपनी ऑर्बिट में सोलह दिनों तक ये रहा स्पेस में एंड द सेवन मेंबर्स क्रू कंडक्टेड एटी एक्सपेरिमेंट्स ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो लोग वहाँ पर गए थे सोलह दिन तक स्पेस में रहे थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे स्पेस में लगभग अस्सी एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी लेकिन कुछ दे नहीं पाए क्योंकि जस्ट लैंडिंग से पहले ये हो गया अस्सी एक्सपेरिमेंट्स किए बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी फिर इसने अपनी डाउनवर्ड जर्नी अर्थ की तरफ स्टार्ट कर दी नीचे आने लगे विच इन ट्रेजेडी जो कि हमने देखा एक ट्रेजडी में एंड हुई दिस वॉज कोलम्बिया ट्वेंटी एट स्पेस फ्लाइट और ये देखिए आपकी कोलंबिया जो स्पेस शटल है इससे पहले सत्ताईस बार वो स्पेस में जा चुका था ये ट्वेंटी टाइम्स था जब वो स्पेस में गया था एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर हंड्रेड फ्लाइट्स ऐसा कहा जाता है कि जो शटल है ये सो फ्लाइट जैसा कि मैंने बताया सो बार स्पेस में जा सकता था इतने अच्छे से ये 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 बनाया गया था 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 जो स्पेस शटल जिसका नाम था ओके चलिए ये हमने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के बारे में कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी सप, सपना भी नहीं देखा था कि करनाल के एक जो करनाल में पैदा हुआ एक जो बच्चा है दैट शी वुड क्रॉस दी फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस कि वो स्पेस की जो सीमाएं हैं उसको क्रॉस कर लेगी इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज इतना ही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने कल्पना चावला को इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने दिया आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट हुई उसके बाद उनके पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग उनको करने दी तो कल्पना चावला को लगता था कि यही काफ़ी है कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो किसी स्पेस शटल में जाएगी स्पेस में जाएगी आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जिसको आप बोलते हैं सुना होगा आपने डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने बीएससी की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर अपने फादर के ग्रेट ऑपोजिशन मतलब वो बिल्कुल खिलाफ थे इसके उसके अगेंस्ट जाके अपने फादर के अगेंस्ट जाके उन्होंने ये किया बी एस सी इन एरोनोटिकल साइंस

कल्पना चावला वाज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जो थी वो पहली भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ ब्लास्ट ऑफ बोलते हैं टू लीव द ग्राउंड टू टेक ऑफ टेक ऑफ करने को ही पहली महिला थी भारतीय महिला जिन्होंने कि ब्लास्ट ऑफ किया था फ्रॉम दी लॉन्च पैड एट लॉन्च पैड एट केप कनावरल फ्लोरिडा जो लॉन्च पैड था जहाँ से लॉन्च किया गया था रॉकेट को केप कनावरल फ्लोरिडा में एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन स्पेस और एक पार्टिसिपेट uh, किया एक सक्सेसफुल मिशन जो कि स्पेस में जिसके लिए वो गए थे हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयरड अलॉन्ग विद स्टाफ उनकी जो फैमिली थी वो बाकी जो स्टाफ था उनके साथ ही उन्होंने इसको उनको, उनको सभी को चेयर अप चेयर अप किया एट कैनडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ जब उन्होंने देखा कि कोलंबिया लिफ्ट ऑफ कर रहा है तो सभी ने Uh, बहुत खुशी से चेयरअप कर रहे थे उनको कि चलिए अच्छे से करके आना जो भी है कैनेडी स्पेस सेंटर की बात है उनके पेरेंट्स भी वहाँ थे उनके फादर पहले अपोज uh, कर रहे थे जब उन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी लेकिन बाद में हमने देखा कि वो भी फेवर में थे जब uh, वो स्पेस में जा रही थी खैर आगे आते हैं कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला जो है वो पैदा हुई थी बट वॉज नेचुरू एस सिटीजन लेकिन लॉफुली पूरे उससे वो यूएस की सिटीजन थी मतलब Uh, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया नेचुरलाइज मतलब होता है कि उनके पास सारे वो अधिकार थे जो वहाँ के नेचुरल बॉर्न सिटीजन को होते हैं मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन और उनके जो फ्लाइट के इंस्ट्रक्टर्स थे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जीन पेरे जीन पेरे हैरिसन से उन्होंने शादी की बिसाइड इसके अलावा बिसाइड बींग एन एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही स्पेस में जाती थी एक्सपेरिमेंट्स करती थी इसके अलावा शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स जो एयरप्लेन चलते हैं उनमें सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एयरप्लेन को चलाने का लाइसेंस भी था उनके पास मतलब उनको ये भी आता था सिंगल इंजन सी प्लेन भी वो चला सकती थी एंड ग्लाइडर्स ऑल्सो ओके ग्लाइडर्स कुछ तो जो स्पोर्ट्स के लिए यूज होते हैं अदरवाइज ग्लाइडर्स जो प्लेन है वो मिलिट्री में यूज होते हैं ड्यूरिंग वॉर और समथिंग आपने देखा होगा तो वो भी उनको चलाने आते थे शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट था उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी तो कितनी सारी चीज़ें वो जानती थी ये देखिए आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट एज अ पायलट क्वालिफाई करने के बाद मतलब पहले इतने सारे वो जैसे कि हमने देखा प्लेन्स ग्लाइडर्स uh, वो चला सकती थी पायलट बन गई वो पायलट बनने के बाद कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज उन्होंने एक और चैलेंज स्वीकार किया उन्होंने अप्लाई कर दिया टू नासा अप्लाइंग नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम नासा के जो स्पेस शटल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो स्पेस में शटल को भेजती हैं उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा सबसे पहले नासा में वो हायर की गई एज रिसर्च साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट अलग अलग स्पेस uh, क्राफ्ट के ऊपर स्पेस की चीज़ों के ऊपर इन 1994 और 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट 1994 में वो नासा में सेलेक्ट हुई कि अब इनको एज एन एस्ट्रोनॉट ट्रेन uh, किया जाएगा कि किस तरीके से स्पेस में जाते हैं कैसे स्पेस क्राफ्ट को शायद चलाते हैं हैंडल करते हैं किस तरीके से वहां पर एक्सपेरिमेंट करना है एस्ट्रोनॉट्स को तो so, 1994 में वो उसके लिए कोलेक्ट कर ली गई ट्रेनिंग के लिए वेन आस्क वॉट इज वॉट इट वॉज लाइक अ इन बींगर फील्ड जब उनसे पूछा जाता था कि आप एक वुमेन हैं तो इस फील्ड में मोस्टली मेन है आपको कैसा लगता है एक वुमेन होके uh, इस स्पेस एस्ट्रोनॉट uh, वाले फील्ड में रह के तो शी रिप्लाइड वो हमेशा ये कहती थी आई रियली नेवर एवर थाट मैंने सच में कभी कभी ऐसा नहीं सोचा वाई परसूइंग माई स्टडीज़ जब चाहे मैं अपनी जब स्टडी परसू कर रही हूँ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और डूइंग एनीथिंग एल्स या कुछ और कर रही हूँ मैंने कभी न, ये नहीं सोचा दैट आई वॉज अ वुमेन कि मैं तो एक वुमेन हूँ एक औरत हूँ और अ पर्सन फ्राम स्मॉल सिटी या फिर एक छोटे शहर से आई हुई हूँ और अ डिफरेंट कंट्री या फिर अमेरिका में हूँ दूसरे देश से आई हूँ ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा आई प्रटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स मेरे भी बिल्कुल ऐसे ही सपने थे जैसे किसी और के होते हैं एंड आई फॉलोड देम और मैंने उनको फॉलो किया एंड पीपल हु वर अराउंड मी और जो लोग मेरे चारों तरफ हैं आस पास हैं फॉर्चुनेटली किस्मत से मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ बड़ी किस्मत वाली हूँ दैट दे ऑलवेज इंकरेज मी उन्होंने हमेशा मुझे इनकेज किया आगे बढ़ने के लिए एंड सेड और कहती है इफ और वो कहते हैं इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन अगर तुम ये करना चाहती हो तो ठीक है कैरी ऑन आगे बढ़ो सभी ने उनको एनकरेज किया एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना प्रमोट करना किसी को कुछ काम करने के लिए ओके कल्पना स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया कल्पना का जो स्पेस मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल में वो कितना लंबा था वो फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर मिनट लॉन्ग पंद्रह दिन सोलह घंटे चौंतीस मिनट तक वो चला ड्यूरिंग दिस टाइम इस टाइम पर शी वेंट अराउंड दी अर्थ टू फिफ्टी टू टाइम्स अर्थ के चारों तरफ ही स्पेस में वो घूमते रहे और टू फिफ्टी टू टाइम्स उन्होंने अर्थ का पूरे चक्कर लगाए थे दो सौ बावन बार ओ गॉड ट्रैवलिंग टेन पॉइंट फोर फाइव मिलियन किलोमीटर्स लगभग टेन पॉइंट फोर फाइव मिलियन किलोमीटर्स टेन मिलियन आप समझते हैं हंड्रेड लैक्स है ना मतलब एक करोड़ बार एक करोड़ एंड आई थिंक फोर्टी फाइव लैक्स वन करोड़ एक सेकेंड को चेंज करें अगर हम वन करोड़ फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स उन्होंने जो है इसको इतना डिस्टेंस कवर किया अर्थ के चारों तरफ द क्रू इंक्लूड जिस क्रू में वो थी सात लोग थे उसमें एक जापनीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे उनके साथ द क्र्यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स पॉलिन पॉलन को प्लांट्स के एक्सचेंज किया ये देखने के लिए फूड ग्रोथ इन स्पेस की क्या स्पेस में फूड भी ग्रो हो सकता है एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉगर मेटल टेस्ट किया कि स्ट्रांग uh, मेटल अगर कोई हमें बनाना है स्पेस में रह के तो वो हो सकता है या नहीं फास्टर कंप्यूटर चिप्स फॉर ऑल फॉर द प्राइस टैक ऑफ अबाउट फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल के चिप्स बनाए फास्टर कंप्यूटर चिप्स भी बनाई उन्होंने टेस्ट किए इनके स्पेस uh, में एंड ऑल फॉर अ प्राइस स्टैक ऑफ अबाउट फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स और ये लगभग कितने मिलियन डॉलर फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स खर्च हो गए थे उन्होंने खर्च किए थे उन्होंने इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने में यानी कि अप्रॉक्स फाइव करोड़ सिक्सटी लाख डॉलर्स की बात हो रही है अगर आप इसको कन्वर्ट करें रुपीज में तो सेवेंटी से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लगभग थ्री फिफ्टी करोड़ इतने रुपए खर्च हुए थे उनके इन सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड एवरीथिंग ऑन इस पूरे मिशन पे ऑन सैटरडे नाइट वन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक सैटरडे नाइट को शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखे वहाँ पर सुबह थी यहाँ पर साढ़े सात बजे थे जब ये हुआ जब कोलंबिया डिजास्टर की न्यूज बाहर आती है देर वोज शॉक एंड डिसीफ सभी लोग शॉक में थे और डिसबिलीफ विश्वास नहीं हो रहा था उनको देखिये लॉन्च के टाइम की पिक्चर आपको दिखाई हुई है द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट जो करनाल के लोग थे वो सोए नहीं रात में एज थाउजें ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू द टेलीविजन सेट्स क्योंकि हजारों लोग बिल्कुल टेलीविजन सेट से चिपके हुए थे इन द होप इस उम्मीद में दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव कि कल्पना और उसके जो क्रू है किसी तरीके से शायद बच गए हो आ जर्नलिस्ट रोड और एक जर्नलिस्ट में ने ये भी लिखा शी वॉज अ हीरोइन जैसे आप हीरो कहते हैं ना तो ऐसे उनको लिखा कि वो एक हीरोइन थी शी टेक ए एबिलिटी इट टेक ए एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए आप एबल होने चाहिए उसके लायक होने चाहिए यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्ट्रोनॉ एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग चाहे बायोलॉजी हो एस्ट्रोफिजिक्स हो एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन आजकल की जो एज है सुपर स्पेशलाइजेशन की है यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज जैसे एनसाइक्लोपीडिया होता है ना उसमें सभी चीजों के बारे में होता है बुक होती है आपकी तो उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं हर अचीवमेंट इज ऑर इंस्पायरिंग उनकी जो अचीवमेंट है वो सभी लोगों को प्रेरित करने वाली है uh, मतलब एक तरीके से आदर uh, के उसमें आदर भाव जगाने वाली है ओके okay? तो ये एक जर्नलिस्ट ने लिखा था फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस कई मिलियन जो भारत के यंग हैं बच्चे हैं द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जो कहानी है कल्पना चावला की जो कि एक छोटे से शहर की लड़की थी स्काईज जिसने कि आसमान को छुआ इंस्पिरेशन एक इंस्पिरेशन बन गई जैसे आप भी इस कहानी को पढ़ के थोड़ा सा इंस्पायर हो रहे होंगे इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रोड द शटल स्पेस शटल कोलंबिया एक मैसेज uh, जो कि उसने स्पेस uh, शटल से भेजा था कोलम्बिया से टू स्टूडेंट ऑफ अर कॉलेज इन चंडीगढ़ उसके चंडीगढ़ के कॉलेज में एक स्टूडेंट uh, था जिसको इन्होंने ये लिखा था कल्पना सेट कल्पना कहती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस सपनों से लेके सक्सेस होने तक का जो पाथ है जो रास्ता है डज एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट करता है आपके सपने अगर आप कोई सपना देखते हैं और उसको पूरा करने के बीच का रास्ता हमेशा होता है मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट आपके सिर्फ विजन नज़रिया होना चाहिए कि आप उस रास्ते को ढूंढें द करेज टू गेट ऑन टू इट और आप में इतनी करेज इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रास्ते पर चले विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी उन्होंने उस स्टूडेंट को uh, कहा कि तुम तुम्हा, मतलब तुम्हारी जर्नी जो है वो एक ग्रेट जर्नी रहे उसके लिए विश किया उनको दे विल श्योरली बी मेनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी पढ़ के अपनी जो ड्रीम्स हैं उनके उस पर काम करना शुरू करेंगे ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर होपफुली कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिली होगी कल्पना चावला से ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके वो कहते हैं ना कि ड्रीम एंड डेयर टू फेल बड़े सपने देखिए भले ही आप uh, और थोड़ी डेयरिंग भी रखिए कि अगर ना पूरे कर पाए तो कोई बात नहीं लेकिन Always dream big. Okay, that's all. Thank you so much for watching.